हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चंस देता हूँ आपको उनके हिंट या सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 टू क्वेश्चन नंबर 70। क्या है क्वेश्चन नंबर 66? देखो हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पीएच ऑफ द सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 298 केल्विन क्या होगा? केएसपी दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आप जानते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। मैग्नीशियम 2+ एक्वस एंड 2OH- एक्वस, और केएसपी की वैल्यू जो दी हुई है दैट इज गिवन 6×10^-12, राइट? अब मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, तो क्या बना एस, क्या बना 2S? तो एस इंटू 2S का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 6×10^-12। यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 4S³, तो S³ इज इक्वल टू 1.5×10^-12, तो S की पावर 1.5 की पावर 1/3×10^-3 4m। अच्छा, व्हाट इज OH- कंसंट्रेशन, जरा देखना। 2s के बराबर, तो 2×1.5 की पावर 1/3×10^-4m। बस POH कैलकुलेट कर लो, तो POH इज इक्वल टू pKa − log OH-। जरा सॉल्व करोगे तो 4−log 2−1/3log 1.5, ये कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है? तो pH की वैल्यू कितनी हो गई, 14−4+log 2+1/3log 1.5, 10+0.3 ले लो, log 2 की वैल्यू 0.3 अप्रॉक्सीमेटली, प्लस 1/3log 3−log 2, तो 10.3 प्लस 1/3 0.48 ले लो, −0.3 ले लो। अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड आउट करना है, तो 10.3 प्लस 0.18 0.06 है, सो 10.36 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी थी बट सिंपल। 10.36, ज्यादातर स्टूडेंट ने गलत जवाब दिया है इसमें, आंसर इज बी। तो बच्चों फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 67, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। CO बॉन्ड लेंथ इज द शॉर्टेस्ट इन, अब ये बात तो ध्यान दो, कार्बोनिल कंपाउंड्स में इस तरीके से मेटल के बॉन्ड्स होते हैं CO इस टाइप से, और यहां पर एक सिनर्जिक बॉन्ड होता है, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो M पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग वीक होगी, तो C और O के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा तो शॉर्टेस्ट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज वाला C ऑप्शन, ज्यादातर स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, तो आंसर इज C। बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन IIT एडवांस्ड ने पूछा हुआ है पहले, और उसकी देखा देखी एक बार JEE मेन ने भी पूछा हुआ है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू 68, में कॉपर मेटल इज कॉमनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर चैल्कोपाइराइट, व्हाट इज द फॉर्मूला, CuFeS2। ऑब्वियसली इसके अंदर आयरन सल्फाइड की इम्प्योरिटीज हैं, और आयरन सल्फाइड रोस्टिंग से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो रोस्टिंग हाई टेम्परेचर में जब हीट करते हैं तो Cu2S प्लस FeO प्लस FeS ये सब मिल जाता है थोड़ा, और FeO यही तो इसको रिमूव करना है, तो सिलिका यूज करते हैं एज ए फ्लक्स, हालांकि रोस्टिंग के दौरान नहीं करते, बाद में जब कॉपर मेटल मिलता है उसके बाद ये प्रोसेस परफॉर्म कराते हैं, तो FeSiO3 लिक्विड स्लैग मिल जाता है। तो व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड, बेसिक इंप्योरिटीज है, FeO इज अ बेसिक इंप्योरिटी, और बेसिक इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए व्हाट, एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स का एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सिलिका। ऑड वन आउट से भी कर लेते, लाइमस्टोन वो हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड देगा, सो दैट इज बेसिक फ्लक्स। हेमेटाइट दैट इज बेसिक इन नेचर। मैग्नेसाइट MgCO3 हीट करने पर MgO देगा, वो भी बेसिक फ्लक्स। तो फिर एसिडिक फ्लक्स एक ही ऑप्शन है, सिलिका। सो आंसर इज सी, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 69, लुक एट 69, नंबर ऑफ गैसेस इवॉल्व व्हेन द HCF4 इज डिसॉल्वड इन वाटर, मेरे ख्याल से है नोबल गैसेस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से शामिल होगी। तो HCF4 जब वाटर से रिएक्शन करता है तो HCO3 बनता है सॉलिड, जो कि एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। ज़ीनॉन गैस लिबरेट होती है प्लस O2 गैस भी लिबरेट होती है, और HF तो एक्वस बनता है, पानी है ना, पानी के प्रेजेंस में HF वुड बी, और रूम टेम्परेचर पर HF मोस्टली लिक्विड होता है ये। तो इसका मतलब दो गैसेस बनी, टू गैसेस। सो विच ऑप्शन, बच्चों ने गलत आंसर दिया है, ए दिया है, जबकि सी इज द राइट आंसर। तो आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 70, लुक एट 70, time required for 99% completion of the first order reaction is y times the time required for 90% completion, y is, bada aasan, t 99 upon t 90% completion, to 1 upon k ln 100 upon 99 complete ho gaya to 1 upon k ln 100 upon 90% completion ho gaya to 10% bacha hai, ye to cancel out ho gaya, and that is लॉग ln को लॉग में कन्वर्ट करो तो 2.303 का फैक्टर ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कैंसिल्ड आउट। तो लॉग 100 2 अपॉन यहाँ 1, दैट्स इट, यही आंसर है। तो क्या आंसर दिया, y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो d ऑप्शन, तो d इज द राइट आंसर। पता नहीं क्यों गलत दिया है बच्चों ने, 0.5 आंसर दिया है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, दिस इज द ईजिएस्ट वन। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक, अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहें, एनर्जेटिक रहें, ऑल द बेस्ट।